हेलो एवरीवन, हमने इसे प्रीवियस वीडियो में चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था जिसका नाम है इंटरपोलेशन विद इक्वल इंटरवल्स। तो इसी चैप्टर को हम इस वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे। हम प्रीवियस वीडियो में कर रहे थे न्यूटन ग्रिगोरी फार्मूला फॉर फॉरवर्ड इंटरपोलेशन, जिसके हमने डेरिवेशन करी थी। इस वीडियो में हम इसी डेरिवेशन को आगे कंटिन्यू करेंगे। हमने जो लास्ट वीडियो में एक्सप्रेशन ड्राइव किया था, वो एक्सप्रेशन हमारे पास जहाँ जो इक्वेशन थी वो हमारे पास क्या थी, ये थी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, ये आई थी। और इसको ही हम क्या कहते हैं, न्यूटन ग्रिगोरी फार्मूला फॉर फॉरवर्ड इंटरपोलेशन। बट जो हम क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे वो हम इस फॉर्म को यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन जब हम करेंगे ना इस फॉर्मूले से रिलेटेड, तो हम ये वाली फॉर्म नहीं यूज़ करेंगे, हम इसकी दूसरी फॉर्म यूज़ करेंगे, ठीक है। तो वो दूसरी फॉर्म कौन सी है उसको हम इस वीडियो में ड्राइव करेंगे, और साथ के साथ उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को भी करेंगे। तो इस वीडियो को देखने से पहले आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप इससे प्रीवियस वीडियो देख के आएँ, तभी आपको जो ये वीडियो है समझ में आएगी, ठीक है। तो लास्ट वीडियो में हम यहाँ तक कर चुके थे, यहाँ तक हमने ड्राइव कर लिया था। इसको हम न्यूटन ग्रिगोरी फार्मूला फॉर फॉरवर्ड इंटरपोलेशन भी कहते हैं, ठीक है। बट हमें जो क्वेश्चंस में यूज़ करनी है फॉर्म, उसको हमें यहाँ ड्राइव करना है यहाँ आगे, ठीक है। तो देखते हैं आगे हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, हम पुट करेंगे यू को x माइनस ए अपॉन एच। हमने कोई u अपनी तरफ से एक वेरिएबल ले लिया, ठीक है, जिसकी वैल्यू क्या है, x माइनस ए अपॉन एच है, ठीक है। यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकाल लूँ तो क्या आएगी, h उधर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा यू एच इज इक्वल टू एक्स माइनस ए, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, a प्लस यू एच आ जाएगी, ठीक है। अगर मैं दोनों साइड माइनस ए से, मतलब कि माइनस ए कर दूँ, मतलब कि यहाँ भी माइनस ए, ए प्लस यू एच माइनस ए, दोनों तरफ मैंने माइनस ए कर दिया, क्योंकि माइनस ए से माइनस ए तो कट नहीं जाना, तो दोबारा हमारे पास ऊपर वाली टर्म ही आ जाएगी, तो इसलिए हम दोनों तरफ ऐसे माइनस ए कर सकते हैं। तो माइनस ए कर दिया, ठीक है। यहाँ माइनस ए से ये वाला ए कट जाएगा, तो हमारे पास एक्स माइनस ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, यू एच आ जाएगी, ठीक है। सिमिलरली अब हम क्या करते हैं, जो हमारी ये वाली इक्वेशन थी इसमें फिर से हम क्या करते हैं, हम दोनों तरफ माइनस ए प्लस एच ऐड करवा देते हैं, माइनस ए प्लस एच ऐड करवा देते हैं। तो यहाँ भी माइनस ए प्लस एच हो जाएगा, और यहाँ भी माइनस ए प्लस एच हो जाएगा, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स माइनस ए प्लस एच, और ऊपर ऐसे लाइन डाल दी, मतलब इसका मतलब ब्रैकेट ही होता है, ठीक है। इसको अगर मैं खोलूँगा तो क्या बन जाएगा, एक्स प्लस यू एच माइनस ए माइनस एच, माइनस ए से ए प्लस ए का कट गया, तो एक्स माइनस ए प्लस ऊपर बार क्या आ जाएगा, यू एच माइनस एच आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से मैं अगर h को कॉमन ले लूँ, सॉरी हाँ h को कॉमन ले लूँ, तो मेरे पास क्या बचेगा, u माइनस वन और बाहर h, और x माइनस ए प्लस एच ब्रैकेट में एज इट इज़, ठीक है। तो x माइनस ए की वैल्यू क्या आई है, यू एच के इक्वल आई है, ठीक है। इसको मैं सेकेंड इक्वेशन मान लेता हूँ, और x माइनस ए प्लस एच की जो वैल्यू आई है वो ये आई है, इसको मैं थर्ड मान लेता हूँ। सिमिलरली अगर आप इक्वेशन नंबर वन के अंदर दोनों तरफ a माइनस टू एच करते हो, ठीक है, दोनों तरफ माइनस a प्लस टू एच ऐड कर देते हो, तो क्या आएगा, ये आ जाएगा, ए लेफ्ट साइड में मैंने कर दिया, राइट साइड में कर देता हूँ, a प्लस यू एच एज इट इज माइनस a प्लस टू एच करूँगा, तो ये माइनस इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये माइनस टू एच हो जाएगा, a से a कट गया, तो यहाँ क्या बचेगा, h को कॉमन ले लो, तो u माइनस टू एच बचेगा, u माइनस टू एच बचेगा, और x माइनस ए प्लस टू एच राइट हैंड साइड में, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड में एज इट इज़, ठीक है। तो इसको मैं फोर्थ इक्वेशन मान लेता हूँ। सिमिलरली आप देख सकते हो कि अगर मैंने यहाँ x माइनस ए लिया तो यू एच आया, x माइनस ए प्लस एच निकाला तो यू माइनस वन इंटू एच आया, x माइनस ए प्लस टू एच निकाला तो यू माइनस टू इंटू एच आया। सिमिलरली अगर मैं x माइनस ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच निकालता हूँ तो, ठीक है, a प्लस एन माइनस वन इंटू एच निकालता हूँ, मैंने यहाँ n h नहीं निकालूंगा, x माइनस ए प्लस एन माइनस वन एच निकालता हूँ, तो मेरे पास क्या आएगा, तो मेरे पास आएगा u माइनस, देखिए जब x माइनस ए प्लस एच था तो यहाँ u माइनस वन था, मतलब कि जो h के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा था ना वो यहाँ आया वन, ठीक है। जब x माइनस ए प्लस टू एच है, h के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, टू मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ u माइनस टू हो गया। सिमिलरली अब यहाँ x माइनस ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच है, तो यहाँ h के साथ n माइनस वन मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये आ जाएगा n माइनस वन, ठीक है, और बाहर h। इसको मैं फिफ्थ इक्वेशन मान लेता हूँ। तो ये हमने वैल्यूज निकाल ली क्यों है,
हमने ये वैल्यूज निकाल ली क्यों है, क्योंकि जो हमारे पास ये वाली इक्वेशन है ना, ये जो फॉर्मूला हमारे पास पिछली वीडियो में आया था, ड्राइव किया था जो हमने, इसमें हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज़ को पुट करेंगे। देखिए यहाँ x माइनस ए है ना, x माइनस ए प्लस एच बार है, x माइनस ए प्लस एच बार, x माइनस ए प्लस टू एच बार है, ठीक है। सिमिलरली ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच ऊपर बार है। तो मतलब कि सारी वैल्यू जो ये हैं, इन सभी वैल्यूज़ को हम u की टर्म्स में लिखेंगे, u और h की टर्म्स में लिखेंगे, ठीक है। तो इसको मैं स्टार इक्वेशन मान लेता हूँ, जो मेरी ये फर्स्ट वाली थी। अब मैं क्या करता हूँ, जो हमारे पास ये वैल्यूज आई ना, x की, x माइनस ए की, x माइनस ए प्लस एच की, x माइनस ए प्लस टू एच की, और x माइनस ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच की, ये सारी जो वैल्यूज़ हैं ये मैं इक्वेशन पर स्टार में पुट करने वाला हूँ, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, पुटिंग इक्वेशन वन टू थ्री फोर फाइव इन इक्वेशन स्टार, ठीक है। यहाँ बस आपकी एक ये स्टेप जरूर याद रखना है कि u को हमने क्या लिया, x माइनस ए अपॉन एच लिया, और x की वैल्यू हमने इन टर्म्स ऑफ u निकाल दी, ठीक है। अब देखिए पुट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा f ऑफ क्या था, f ऑफ x था ना स्टार इक्वेशन में, f ऑफ x, x की जगह अब क्या आ चुका है, a प्लस यू एच आ चुका है। यहाँ मैं लिख दूंगा a प्लस यू एच इज इक्वल टू में एफ ऑफ एज इट इज प्लस, यहाँ क्या है, एक्स माइनस ए है, तो एक्स माइनस ए की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा, एक्स माइनस ए की जगह देखिए क्वेश्चन नंबर टू से यू एच पुट कर दूंगा, तो आ जाएगा यू एच डेल एफ ऑफ ए अपॉन एच प्लस, यहाँ क्या है, एक्स माइनस ए है और एक्स माइनस ए प्लस एच बार है, तो एक्स माइनस ए की जगह मैं यू एच पुट कर दूंगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर टू से फिर से, और एक्स माइनस ए प्लस एच बार की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा, ये वैल्यू थर्ड इक्वेशन से पुट कर दूंगा, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, यू एच इंटू में यू माइनस वन इंटू एच डॉट डेल स्केयर एफ ओफ ए टू फैक्टोरियल इंटू एच स्केयर, ठीक है। सिमिलरली यहाँ भी ऐसे ही होएगा, ठीक है, यहाँ आप पुट कर लेना, मैं यहाँ प्लस डैश 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 लगा के सीधा लास्ट टर्म में वैल्यूज पुट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये बीच में भी ऐसे ही होगा, x माइनस ए की वैल्यू, x माइनस ए प्लस एच बार, x माइनस ए प्लस टू एच बार की वैल्यू जो है यहाँ से आप पुट कर लेना यहाँ, ठीक है। मैं सीधा जो ये लास्ट टर्म है इसमें वैल्यूज़ को पुट करने वाला हूँ, तो x माइनस ए की जगह क्या पुट करूँगा यहाँ मैं, यू एच, x माइनस ए प्लस एच बार की जगह मैं क्या पुट करूँगा, इक्वेशन नंबर थर्ड देखिए, यहाँ से ये आ जाएगा यू माइनस वन इंटू में एच, ठीक है, डैश डैश डैश, और इस टर्म की जगह मैं क्या पुट करूँगा, इक्वेशन नंबर फिफ्थ, डैश 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 यू माइनस एन माइनस वन, ठीक है, ब्रैकेट में, और बाहर क्या है, एच, ठीक है, और डेल रेस्ट पावर एन एफ ओफ ए अपॉन यहाँ क्या है, एन फैक्टोरियल इंटू एच रेस्ट पावर एन, एन फैक्टोरियल इंटू एच रेस्ट पावर एन आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में आप देख सकते हो यहाँ h से h कट रहा है, ठीक है, ये h और ये h क्या हो जाएगा, ये h और ये h, h स्केयर हो जाएगा, ठीक है, और इस h स्केयर से ये वाला h स्केयर कट गया। सिमिलरली यहाँ भी h है, u माइनस वन इंटू यहाँ भी h है, u माइनस एन माइनस वन इंटू एच है, मतलब कि बीच में कितने h होंगे, मतलब कि पहले तो यहाँ n माइनस वन टर्म्स हैं और एक ये टर्म मिला के आपके पास n टर्म्स होगी, मतलब कि यहाँ कितने एच होंगे, हर टर्म के साथ एक एक एच है, तो यहाँ कितने एच होंगे, n एच होंगे, ठीक है, n एच, तो n एच है मतलब कि h रेज टू पावर n हो जाएगा, n एच का मतलब कि n टाइम्स हमने h यहाँ लिखे हैं, कि सारे h क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, तो h रेज टू पावर n हो जाएगा, एच रेस्ट पावर एन एक तो यहाँ हो जाएगा और एक एच रेस्ट पावर एन यहाँ नीचे भी है, तो वो एच रेस्ट पावर एन से ऊपर जो सारे एच है वो कट जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ऊपर भी सारे मल्टीप्लाई होकर एच रेस्ट पावर एन ही बनाएंगे। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला आ गया लास्ट में, एफ ऑफ ए प्लस यू एच इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ए प्लस यू डेल एफ ऑफ ए प्लस यू इंटू यू माइनस वन डेल स्केयर एफ ओफ ए अपॉन टू फैक्टोरियल, ठीक है, प्लस बीच में एक टर्म ये भी तो थी ना, तो मैं इसके लिए भी लिख देता हूँ डायरेक्टली यू इंटू यू माइनस वन इंटू यू माइनस टू डेल क्यूब एफ ओफ ए अपॉन थ्री फैक्टोरियल,
प्लस अप टू सो ऑन, लास्ट में क्या आ जाएगा, ये वाली टर्म u माइनस n माइनस 1, ठीक है, और डेल रेस टू पावर n एफ ऑफ ए अपॉन n फैक्टोरियल, ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। इसको हम क्या कहते हैं, न्यूटन ग्रिगोरी फॉर्मूला फॉर फॉरवर्ड इंटरपोलेशन, ठीक है। आगे यहाँ तो आप यहाँ तक भी याद कर लो, यहाँ तक भी सही है, ठीक है, जहाँ इसको थोड़ा सा उन्होंने मॉडिफाई करके लिखा है आपकी बुक में, जैसे कि यहाँ तो ये u है, एक ही टर्म है ना, u की कितनी टर्म है यहाँ, एक है, ठीक है, इसलिए इसको उन्होंने क्या लिख दिया, u और उसकी ब्रैकेट में 1 लिख दिया। यहाँ कितनी टर्म्स हैं, u है और एक उससे कम है, तो इसको u और ब्रैकेट में 2 लिख दिया। सिमिलरली यहाँ कितनी टर्म्स है u की, 1, 2, 3 है, मतलब कि एक उससे कम, तो इसको u 3 लिख दिया उन्होंने, बस यही करा है। और यहाँ कितनी टर्म्स हैं, ये आपकी n टर्म्स हैं, ठीक है, यहाँ कितनी टर्म्स है, n टर्म्स है, क्योंकि u माइनस 1, u माइनस 2, u माइनस 3 अप टू सो ऑन, u माइनस n माइनस 1 है, मतलब कि टोटल कितनी टर्म्स होगी, n माइनस 1 होगी ना, ठीक है, और एक u आगे भी लगा हुआ है, तो n होगी टर्म्स, n माइनस 1 प्लस n, एक ये टर्म n टर्म्स होगी, तो इसलिए इन्होंने u की पावर में n लिख दिया, ठीक है, तो ऐसे उन्होंने आगे कर दिया। u1 का मतलब क्या होगा, अकेला u, u2 का क्या मतलब होगा, u u माइनस 1, यानी दो टर्म्स होगी, u3 का क्या मतलब होगा, u u माइनस 1, u माइनस 2, ठीक है, u1 का क्या मतलब है, u u माइनस 1, u माइनस 2, u माइनस 3 अप टू सो ऑन, कहाँ तक जाएगा, u माइनस n माइनस 1 तक जाएगा, ठीक है, क्योंकि n टर्म्स बनानी है ना, तो u माइनस 1, u माइनस 2, u माइनस 3 अप टू सो ऑन, u माइनस n माइनस 1, ये तो n माइनस 1 टर्म्स होगी, और एक आगे जो ये u लगा हुआ है, एक और टर्म ऐड होगी, मतलब कि n टर्म्स होगी। तो ये आपके पास फॉर्मूला होता है किसका, न्यूटन ग्रिगोरी फॉर्मूला फॉर फॉरवर्ड इंटरपोलेशन। मैं इसको थोड़ा सा साफ तरीके से लिख देता हूँ, ठीक है, ये फॉर्मूला है आपके पास, यहाँ नीचे 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल है, तो यहाँ मैं 1 फैक्टोरियल लिख देता हूँ ताकि याद करने में आसानी हो। तो एफ ऑफ ए उसके बाद u1 अपॉन 1 फैक्टोरियल डेल एफ ऑफ ए आ जाएगा, u2 अपॉन 2 फैक्टोरियल डेल स्केयर एफ ऑफ ए आ जाएगा, डेल u3 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल डेल क्यूब एफ ऑफ ए आ जाएगा, प्लस ऑन un अपॉन n फैक्टोरियल डेल n एफ ऑफ ए आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका न्यूटन ग्रिगोरी फॉर्मूला होता है फॉर फॉरवर्ड इंटरपोलेशन। अब इससे रिलेटेड हम क्या करते हैं, एग्जांपल्स करते हैं, और मैंने आपको बताया था जो ये फॉर्मूला है कब यूज़ होता है, जब आपको जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, वो आपको टेबल के स्टार्टिंग में गिवन हो, ठीक है, और जो यहाँ यू है उसकी वैल्यू आप कैसे फाइंड आउट करोगे, अभी हमने यू की वैल्यू निकाल ली थी, हमने क्या मान के चला था, यू इज इक्वल्स टू एक्स माइनस ए अपॉन एच होता है, ठीक है, एक्स क्या है, जोन सी वैल्यू आपको निकालने के लिए कहा गया हो, ठीक है, टेबल में से जो मतलब गिवन डाटा में से आपको जो वैल्यू निकालने के लिए कहा गया हो वो आपकी एक्स की वैल्यू होती है, ठीक है। एच क्या होता है, इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग, मतलब कि जो आपको टेबल के अंदर जो एक्स की सारी वैल्यूज जो गिवन है, ठीक है, एक आपको एक्स की वैल्यूज गिवन होती हैं, एक आपको एफ ऑफ एक्स की वैल्यूज गिवन होती है ना, तो जो एक्स की जो सारी वैल्यूज गिवन है ना, उनमें कितना इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग है, मतलब डिफरेंस कितने का है, वो एच होता है, ठीक है। और जो आपके पास ए है, वो आपकी जो गिवन डाटा है उसकी सबसे फर्स्ट वैल्यू होती है, जब हम क्वेश्चंस करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब हम ये देखते हैं कि न्यूटन ग्रिगोरी फॉर्मूला की हेल्प से हम कैसे किसी भी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो एग्जांपल नंबर 1 है आपका, द वैल्यूज ऑफ एफ ऑफ एक्स जो हमारे पास गिवन है वो 0, 1, 2, 3, 6 के लिए जो गिवन है वो हमारे पास क्या है, इस टेबल में गिवन है, ठीक है। 0 के लिए एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 1 है, एक्स 1 के लिए 4 है, 2 के लिए 17 है, 3 के लिए 46 है, 4 के लिए 97 है, 5 के लिए 176 है, और 6 के लिए 289 है। तो हमें एस्टिमेट करनी है f(2.3) के लिए वैल्यू, मतलब कि हमें 2.3 जब x की वैल्यू है तब f ऑफ x की वैल्यू क्या होगी हमें फाइंड आउट करना है। सबसे पहले आप टेबल के अंदर ये देखोगे जब आपको पेपर में क्वेश्चन आएगा कि जो 2.3 है वो कहाँ लाई करेगा, ठीक है, 2.3 यहाँ किसकी वैल्यू है, x की वैल्यू है, तो ये 2.3 जो है कहाँ लाई करेगा टेबल के अंदर, किसके बीच में लाई करेगा, तो आप देख सकते हो कि 2.3 2 और 3 के बीच में ही होगा। 2.3 का टेबल में आगे है या पीछे है, मतलब शुरुआत में है या पीछे है, ये आपको चेक करना है। तो आप देख सकते हो कि जो 2.3 है वो टेबल की शुरुआत में ही है, पीछे तो नहीं है ना कहीं। जैसे कि अगर आप यहाँ 2.3 रखते हो, यहाँ कोई होगी आपकी 2.3 वैल्यू, 2.3 है वो कहाँ लाई कर रहा है, वो टेबल के स्टार्टिंग में ही है कहीं, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ जो फॉर्मूला लगेगा वो न्यूटन ग्रिगोरी फॉर्मूला फॉर फॉरवर्ड इंटरपोलेशन लगेगा, बैकवर्ड नहीं लगेगा। तो पहला स्टेप है आपका
डिफरेंस टेबल बनाना, ठीक है। डिफरेंस टेबल बनाना तो आपने फर्स्ट चैप्टर में कई बार सीख ही रखा है। तो सबसे पहले x की वैल्यूज़ का कॉलम होता है, फिर एफ ऑफ एक्स की वैल्यूज का कॉलम होता है। x की वैल्यू जब जीरो है तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, वन है, ठीक है। हाँ सो और क्वेश्चन में हमें क्या क्या रखा है कि हमें सिर्फ पांच वैल्यूज़ का यूज़ करना है इस टेबल में, ठीक है। इस टेबल में हमें सिर्फ पांच वैल्यूज़ का यूज़ करना है। जैसे कि इसमें तो हमें छः वैल्यूज़ गिवन है ना, छः नहीं सात, एक दो तीन चार पाँच छः सात, सात हमें वैल्यूज़ गिवन है यहाँ। तो आपको सिर्फ पांच का यूज़ करना है, कोई भी आप पाँच उठा लो, जहाँ तो आप ज़ीरो वन टू थ्री फोर फाइव उठा लो, ठीक है, या फिर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स उठा लो, ठीक है, सॉरी वन टू थ्री फोर फाइव उठा लो, या फिर टू थ्री फोर फाइव सिक्स उठा लो, मतलब कि कोई भी पांच वैल्यूज आपको उठानी है और उन्हीं पांच वैल्यूज़ के अंदर ये 2.3 भी आना चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, टू थ्री फोर फाइव सिक्स ये वैल्यूज़ को मैं उठा देता हूँ, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, टू से स्टार्ट करेंगे। तो जब टू है तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, 17 है, ठीक है। जब एक्स की वैल्यू थ्री है तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 46 है। जब एक्स की वैल्यू फोर है एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 97 है। एक्स की वैल्यू जब फाइव है तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 176 है। एफ की वैल्यू जब सॉरी एक्स की वैल्यू जब सिक्स है तब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 289 है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, डेल एफ ऑफ एक्स। डेल एफ ऑफ एक्स का कॉलम हम कैसे निकालते हैं, ये माइनस ये, ठीक है, इसको इसमें से माइनस करना होता है। तो माइनस करेंगे तो 29 आ जाएगा, 97 माइनस 46 51, ये 79, ये 113 आ जाएगा। अब हम अगला कॉलम बनाएंगे डेल स्क्वायर एफ ऑफ एक्स के लिए, ठीक है। तो ये आ जाएगा 22, आगे 28, 34। डेल क्यूब एफ ऑफ एक्स बनाते हैं, तो 28 माइनस 22 6, 34 माइनस 28 6। अब ये जो कॉलम है ये कांस्टेंट आ चुका है, तो इसका मतलब जो इससे अगले वाला कॉलम होगा और उसे आगे के सारे कॉलम्स होंगे उन सभी की वैल्यूज़ क्या होंगी, उनमें सारी वैल्यूज़ क्या होंगी, जीरो होंगी। तो 6 माइनस 6 जीरो आ जाएगा, ठीक है। आगे कॉलम्स भी वैसे तो बनेगा ही नहीं आगे कॉलम, तो इसलिए हम जीरो ही मान के चलेंगे। तो ये आपका डिफरेंस टेबल बन गया। अब हमें फॉर्मूला यूज़ करना है, क्योंकि हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, 2.3 की वैल्यू निकालनी है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है एफ ऑफ ए प्लस यू एच इज इक्वल्स टू ये होता है, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ हमें किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, हमें एफ ऑफ ए की रिक्वायरमेंट है, हमें यू की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, हमें डेल एफ ऑफ ए की वैल्यू चाहिए, डेल स्क्वायर एफ ऑफ ए की वैल्यू चाहिए, डेल क्यूब एफ ऑफ ए की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास हम जो ये है ना टू, इसको हम ए मान के चलते हैं। क्या मान के चलते हैं, जो टू है जो हमारा मतलब कि जो फर्स्ट वैल्यू होती है एक्स की, ठीक है, एक्स की जो वैल्यू होती है फर्स्ट वैल्यू, उसको हम ए मान के चलते हैं। अगर ये ए है तो ये वाली चीज़ क्या होगी, एफ ऑफ ए नहीं होगी, ठीक है। एफ ऑफ एक्स में जो सबसे पहली जो टर्म होगी वो एफ ऑफ ए होगी। सिमिलरली डेल एफ ऑफ एक्स में जो पहली टर्म होगी वो डेल एफ ऑफ ए होगी, ठीक है ना। ये वाली टर्म क्या होगी, डेल स्क्वायर एफ ऑफ ए होगी। ये वाली टर्म क्या होगी, डेल क्यूब एफ ऑफ ए होगी। और जो ये वाली टर्म है ये डेल फोर एफ ऑफ ए होगी, ठीक है। तो इसका मतलब जो डेल की वैल्यूज़ हैं एफ ऑफ ए, डेल एफ ऑफ ए, डेल स्क्वायर एफ ऑफ ए, डेल क्यूब एफ ऑफ ए, इनकी हमें वैल्यूज़ मिलगी, ठीक है। तो आपको पता है कि आगे जितनी भी टर्म्स होंगी डेल फाइव एफ ऑफ ए, डेल सिक्स एफ ऑफ ए, उन सब की वैल्यूज़ क्या होंगी, जीरो होंगी। तो इसका मतलब क्या है, डेल एन एफ ऑफ ए की वैल्यू भी क्या होगी, जीरो होगी। तो इसलिए ये टर्म तो पूरी जीरो हो जाएगी। तो हमें सिर्फ फॉर्मूला यहाँ तक यूज़ करना है, क्योंकि हमारे पास डेल क्यूब एफ ऑफ ए तक की वैल्यूज़ हैं, ठीक है, जो कि सिक्स है। तो हम आगे फॉर्मूला यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ तक ही हम यूज़ करेंगे। अब नेक्स्ट हमारा काम क्या है, यू की वैल्यू को निकालना। यू की वैल्यू अभी हमने देखी थी जब हमने ड्राइव किया था, यहीं वो क्या आई थी, u इज इक्वल्स टू x माइनस ए अपॉन h, ठीक है। u की वैल्यू हम क्या मान के चले थे कि x माइनस ए अपॉन h होती है। x क्या है, जो वैल्यू हमें क्वेश्चन में कहा है कि इसको निकाल लो। तो 2.3 के लिए हमें वैल्यू निकालने को कहा है ना, तो x की वैल्यू क्या है, 2.3 है। माइनस a क्या है, a तो हमारी सबसे फर्स्ट वैल्यू x x के कॉलम की, तो वो क्या है, 2 है। तो 2 अपॉन में h क्या है, h इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग होता है, क्योंकि जो x की वैल्यूज़ हैं उनमें जो डिफरेंस होता है वही हमारा h होता है। तो दो तीन चार पाँच छः ऐसी वैल्यूज आ रही है ना, मतलब कि एक एक का डिफरेंस है, तो h की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो 2.3 माइनस 2 क्या आ जाएगा, 0.3
आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी यू की वैल्यू आ चुकी है। अब हम यहाँ फॉर्मूले में वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। तो एफ ऑफ ए प्लस यू एच निकालना है, तो एफ ऑफ ए प्लस यू एच का मतलब क्या है, ए की वैल्यू क्या है 2 है, यू की वैल्यू क्या है 0.3 है, और एच की वैल्यू क्या है 1 है। यही फॉर्मूला है ना हमारे पास ए प्लस यू एच के लिए, मतलब कि यहाँ एफ ऑफ ए प्लस यू एच है, तो हमने ये लिख दिया इज इक्वल टू एफ ऑफ ए हमारे पास क्या है, टेबल से देखिए 17 है, प्लस यू वन। यू वन का मैंने आपको क्या मतलब बताया था कि यू होता है, यू टू का मतलब क्या होता है यू इंटू यू माइनस वन होता है, यू थ्री का क्या मतलब होता है यू इंटू यू माइनस वन इंटू यू माइनस टू होता है। ठीक है, तो ये मैं सीधा लिख रहा हूँ, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम यू, यू यहाँ क्या है 0.3 है, तो 0.3। ठीक है, और अपॉन में 1 फैक्टोरियल है, 1 फैक्टोरियल 1 नहीं होता है। डेल एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या है, ए डेल एफ ऑफ ए की 29 है, टेबल से देखिए इंटू 29 प्लस यू टू, यू टू का क्या मतलब है यू इंटू यू माइनस वन, यू क्या है 0.3 है, यू माइनस वन मतलब 0.3 माइनस वन, साथ अपॉन में 2 फैक्टोरियल है, और डेल स्केयर एफ ऑफ ए भी है फॉर्मूले के अंदर, तो डेल स्केयर एफ ऑफ ए क्या है 22 है, टेबल से देखिए इंटू 22। सिमिलरली आगे यू थ्री, यू थ्री का मतलब 0.3 इंटू 0.3 माइनस वन इंटू 0.3 माइनस टू। ठीक है, डेल क्यूब एफ ऑफ ए अभी आगे चाहिए, तो डेल क्यूब एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या है 6 है, तो इंटू में 6 आ जाएगा, और अपॉन में क्या चल रहा है उसके 3 फैक्टोरियल चल रहा है। ठीक है, तो ये आ गया। अब अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो आपके पास क्या आएगा, 2 प्लस 0.3 इंटू 1 आपके पास जो बन के आएगा वो आएगा 2.3 आएगा। ठीक है, f ऑफ 2.3 आ रहा है आपके पास ये, तो आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, f ऑफ 2.3 की वैल्यू ही निकालनी है ना, क्योंकि मुझे पता था कि यहाँ मैं u की वैल्यू और u h और a की वैल्यू पुट करूँगा तो ये 2.3 ही आएगा। अगर आपने u h और a की वैल्यू जो है आपने सही निकाल ली है तो आपके पास यहाँ 2.3 ही आएगा यहाँ। ठीक है, तो एफ ऑफ 2.3 किसके इक्वल आ गया, इस सब के इक्वल आ गया। तो अब तो ये कैलकुलेशन ही है, सिंपल कैलकुलेशन है, आप इसको साइंटिफिक कैलकुलेटर की हेल्प से कर सकते हो, पेपर में अलाउड होते हैं ना न्यूमेरिकल एनालिसिस के पेपर में, तो ये तो बहुत आसान कैलकुलेशन है, इसको आप सॉल्व करो साइंटिफिक कैलकुलेटर से, तो जो आपके पास आंसर आएगा वो 23.747 आएगा। ठीक है, तो बहुत आसान था ये, तो ऐसे ही हमें फॉर्मूले की हेल्प से सारे क्वेश्चंस करने हैं, न्यूटन ग्रिगोरी फॉर्मूला फॉर फॉरवर्ड इंटरपोलेशन। तो इसके बेस्ड आपके पास 2 एग्जांपल्स और हैं, ठीक है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए ज़रूरी थी क्योंकि यहाँ मैंने आपको डिटेल में बताया कि आपको कैसे करना है, तो वहाँ हम जल्दी जल्दी करेंगे ताकि आपकी रिविज़न भी हो जाए, और ये फॉर्मूला बहुत आसान है याद करना, आप इसको याद कर लेना। तब तक।